नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइड पे आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं 1800 वोल्ट झटका मशीन जो है, जो मीटर से कैसे चेक करें, कहां कहां इसमें फॉल्ट आता है, आप मीटर से कैसे चेक करें, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये 1800 वोल्ट झटका मशीन है, आप इसको आप डिजिटल मीटर से कैसे चेक करना, तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसको पावर चेक करना हुआ होता है झटका मशीन में, जो DC 12 वोल्ट से चलती है। तो मीटर को DC 200 वोल्ट पर भी कर सकते हैं और 1000 वोल्ट पर भी, DC 1000 वोल्ट पर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको चेक करना है बैटरी पे। तो दोस्तों, ये प्लस होता है, ये माइनस, तो यहाँ पर बैटरी पर चेक करते हैं तो ये 12 वोल्ट आता है। तो ऐसे दोस्तों, आप कैसे करना होता है, फिर इसको एक पिन को माइनस पर स्विच पर वोल्ट आना चाहिए 12 वोल्ट। तो दोस्तों, अभी स्विच पर चेक करते हैं, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। तो स्विच की निचली पोल पर भी ऑन करने पर 12 वोल्ट आना चाहिए। अभी स्विच को ऑन करते हैं तो दोस्तों, ये 12 वोल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ 12 से यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर कम आता तो स्विच ख़राब होता है। 11 वोल्ट आता तो भी ये स्विच ख़राब हो जाता है, पूरा झटका आता नहीं फिर। तो आप वोल्ट ऐसे चेक करना, फिर आप PCB में सबसे पहले वोल्ट कहाँ चेक करना है। तो दोस्तों, PCB में आप सबसे पहले वोल्टेज कैपेसिटर पर कर सकते हैं, ये माइनस होता है, ये प्लस। फिर दोस्तों, ये 12 वोल्ट पर रिले, इस रिले पर सबसे पहले 12 वोल्ट आते हैं, इस स्विच से घूम करके रिले पर 12 वोल्ट आना चाहिए, आप चेक कर सकते हैं। ये ऐसे भी चेक, और रिले की इस पोल पर रिले ऑपरेट होती है वोल्ट आने से, तो आप ऐसे आप चेक कर सकते हैं, रिले पर 12 वोल्ट आएंगे स्विच ऑन करने पर। तो दोस्तों, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। अगर स्विच ऑन करने पर रिले के बिजली वाली पोल पे 12 वोल्ट नहीं आते यहाँ पे, तो ये रिले ख़राब होती है। रिले ख़राब होती पर दोस्तों, ये 7805 ट्रांजिस्टर होता है, ये 7805 है, इनका काम होता है दोस्तों 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाना। तो दोस्तों, 5 वोल्ट साइड वाली पोल पे बनाते हैं, ये जो 5 दिया हुआ है 7805 स्टार्टिंग नंबर होते हैं इनके, इनसे यहाँ पर 12 वोल्ट आता है। ऐसे आप मीटर को, ये वाला ग्राउंड अर्थ का होता है। तो दोस्तों, माइनस पे ये पिन को लगा दिया मैंने, यहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए मीटर ऑन करने, ये स्विच ऑन करने पे, स्विच ऑन हो गया दोस्तों, ये 12 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ आना चाहिए 5 वोल्ट। दोस्तों, ये 5 वोल्ट आ रहे हैं इस पोल पे। दोस्तों, 5 वोल्ट नहीं आते हैं तो यह मशीन ऑन नहीं होती बिल्कुल। और दोस्तों, ये गर्म हो रहा है और यहाँ पर 4 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये IC कोई आगे शॉर्ट सर्किट होता है, तो भी यहाँ पर वोल्ट मर जाते हैं, ये गर्म होता है ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है ये आपको बताते हैं अभी। दोस्तों, ये IC होती है, टाइमर IC होती है, छोड़ छोड़ के करंट दे 555, ये IC होती है, यहाँ पर 5 वोल्ट से ये चलती है। तो इसमें वोल्ट इनसे मिलते हैं, ट्रांजिस्टरों को मिलते हैं। तो दोस्तों, इनको IC को प्लस मिलती है इनसे, 547 ट्रांजिस्टर ख़राब होता है तो भी ये मशीन ऑन नहीं होते है, इनसे भी इनसे वोल्ट सिग्नल मिलता है, IC को प्लस मिलती है। और ये 40 CD 40 47 है जो इनको स्विचिंग कराती है, जो इसमें दो इसमें लगे हुए हैं MOSFET Z44, ये इनको स्विचिंग कराती है IC, ये ख़राब होती है तो फिर भी ये गर्म होते हैं बार बार, और स्विचिंग से इनके ड्राइव वोल्ट ज़्यादा मिल जाते हैं, ख़राब होती तो ये स्विचिंग करते हैं, तो स्विचिंग ज़्यादा करते हैं पर ये ख़राब होते हैं बार बार। ये होता है CD 40 47 IC, इनको स्विचिंग करने के लिए काम आती है, जो इनको ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कराती है जब ये 1800 वोल्ट आग निकालता है। तो दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर, ये IC ख़राब होती है, फिर भी इसमें 557 ट्रांजिस्टर दिया हुआ, ये भी ख़राब होने का चांस है, ये भी इसको चेंज करने से ऐसे ही हो जाते हैं। और दोस्तों, ये अगर ट्रांजिस्टर ख़राब हो तो आगे सीधा ज़्यादा वोल्ट निकाल देता, तो ये जनरेटर भी ख़राब होने का चांस रहता है, जनरेटर ख़राब हो जाता है 7805 आगे ज़्यादा वोल्ट निकाल देता तब, तो नहीं तो नहीं होता है। तो दोस्तों, ये रिले होती है सायरन की, आप मीटर से चेक कर सकते हैं, ये डायोडों से, ये रेजिस्टेंसें दी हुई इसमें, जो ये ट्रांसफार्मर है इनसे घूम के आता है, दो वायर होते हैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट के, एक वही इनसे घूम करके इस माइनस पर आते हैं। तो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस ख़राब होने पर सायरन नहीं बजता,
कभी कभी ये डायोड वीक हो जाते हैं, मीटर से भी चेक नहीं होते हैं, फिर भी सायरन नहीं बजता। और ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता तो भी सायरन नहीं बजता, और ये रिले ख़राब हो जाती फिर भी सायरन नहीं बजता। रिले आप मीटर से चेक कर सकते हैं, और कैपेसिटर मीटर से बराबर बाहर निकाल के चेक होता है, ऐसे चेक नहीं होता है। सायरन के बारे में बता दिया। फिर दोस्तों ये दो रजिस्टेंसों की वैल्यू बताते हैं हम, इसकी चार्ट भी साथ में बताते हैं। रजिस्टेंसों की कैपेसिटर पर वैल्यू दी हुई है, और हम इसको ये दो रजिस्टेंसें दी हुई, ये होती है 68 ओम दोस्तों, ये 47 ओम रजिस्टेंस दो, ये वाली और ये वाली, और बाकी ये तीन रजिस्टेंसें लगातार ये दी हुई है 220 के, और ये डायोड जिनर डायोड है 48 41 48। तो दोस्तों मीटर से आप लगे हुए मीटर से भी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस है 15 के, ये वाली, ये 1 के है दो, ये 47 470, ये दोस्तों ये दो वाली 470 के है। दोस्तों इस रेजिस्टेंस को आप वैल्यू मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। ये 10 के है। तो दोस्तों अभी बता दिया सब। हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।